हर साल की तरह इस बार भी बिहार बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। इतने सालों में कुछ नहीं बदला। इस बार भी बिहार के करीब 1 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार है, कोसी, गंडक जल प्रलय ले आई। बाढ़ लोगों के घर बार को बहा ले गई, यानी कि बिहारियों की बाढ़ से लड़ाई है जो दशकों से ठनी हुई है, जारी है। बिहार में इस साल अब तक 6 तटबंध टूट चुके हैं। तटबंध एक तरह से दीवार होती है जो नदियों के पानी को रोकती है। ऐसा कुदरत के कहर को दोष देते रहें, कोसी को बिहार की शोक बताकर कोसते रहें, लेकिन बाढ़ से निपटने का कोई ठोस उपाय नहीं निकाल पाए। निकालें भी तो कैसे? हर साल अरबों के तटबंध को फिर से बनाने की आड़ में मलाई खाने का मौका जो निकल जाएगा। शायद कुदरत के साथ साथ नेताओं की नीति और नियत ही है, बिहारियों के लिए बाढ़ नियति बन गई। तमाम तरह की बातों के बीच जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाता हूं कि बाढ़ में कितना जल प्रलय लेके आया। बाढ़ ने तबाही मचा दी है। 6 तस्वीरें आपको दिखाऊंगा बिहार की, और उन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि बिहार में बाढ़ ने क्या हालत की। सरकार प्रयास तो करती रहती है, हर बार हर साल यही बयान आते हैं कि इस बार हम बेहतर इंतजाम करेंगे और उम्मीद करेंगे कि बाढ़ से हालत खराब ना हो, लेकिन 6 तस्वीरें बताती हैं कि बिहार बदला नहीं। बिहार आज भी बेहाल, बिहार कल भी बेहाल था, और यही हालत रही राजनेता अधिकारियों की और बिहार की सरकार की, तो बिहार कल भी बेहाल रहेगा। ये 6 तस्वीरें देखिए, मोतिहारी जिले की है, बगहा की है, सहरसा की है, सीतामढ़ी की है, कटिहार की है और मुजफ्फरपुर की है। बाढ़ से हालत बेहाल। गंडक नदी ने तबाही मचा रखी, कोसी नदी ने तबाही मचा रखी है, और सरकार कुछ नहीं कर सकती, बस हाथ पर हाथ रखे बैठी है। हर साल इसी तरह का नज़ारा, बस तारीख बदलती है लेकिन तस्वीर वही होती है। 1 करोड़ लोग इस बाढ़ से बेहाल हैं, प्रभावित हैं। देखिए हमारे सहयोगी जगजीत की रिपोर्ट। बागमती नदी ने तबाही मचा दी है। सीतामढ़ी शिवहर के 5 बांध टूट गए हैं, जिसके बाद पूरे गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। हालात इस कदर हो गए हैं कि बेलसन के मुख्य सड़कों पर भी बाढ़ का पानी अब प्रवेश कर गया है, और लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो शिक्षक बताए जा रहे हैं, वो स्कूल जा रहे थे लेकिन बाढ़ का पानी इतना अधिक हो गया है कि सड़कों पर बह रहा है। 3 से 4 फुट बाढ़ का पानी बह रहा है, जिस वजह से लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या आप तो स्कूल जा रहे थे? जी क्या? सर, शिवहर मेरा घर हुआ और मेरा स्कूल है मध्य विद्यालय रुपौली, और रुपौली से 100 मीटर पहले ही बांध टूट गया है। सौली गांव है, और इस वजह से हम लोग कहीं जा नहीं पाए हैं अपने स्कूल की तरफ, और यहाँ आए हैं। यहाँ नज़दीक में BRC है, यहाँ से 100 मीटर दूर BRC है। सोचे कि BRC जाएंगे तो वहाँ जो दिशा निर्देश मिलेगा, व्हाट्सएप के माध्यम से तो बहुत सारा दिशा निर्देश मिला है, लेकिन हम लोग चूँकि अभी ऑनलाइन हाजिरी करना होता है, इसलिए इसी ऊहापो में यहाँ तक चले आए हैं। अब यहाँ से आगे जा नहीं पाएंगे। सर कहाँ से आ रहे हैं बाबा? हम तो पता ही से आ रहे हैं। कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत, पानी बहुत हिल रहा है रोड पर। कहाँ से आ गया बाढ़ का पानी? पानी बागमती से आया है, जाफरपुर टूटा है, बांध टूट गया है, बांध टूट गया है, मधकौल टूटा है। और कौन कौन बांध टूट गया है? और टूट गया है छपरा, ननौरा। अब आगे आप लोग क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? अब रहेंगे, अब जहाँ सूखा हुआ थोड़ा मिलेगा वहाँ पर समय बिताना है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आ रहे थे आप? शिवहर से आ रहे थे सर। क्या दिक्कत हो रहा है सर? स्कूल जाना था, हम भी शिक्षक हैं, चंदौली में पोस्टेड हैं, और रोड पे पानी है तो हम लोग यहाँ से आगे तो बढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ से हम लोग लौटेंगे। अब हम लोग तो जा नहीं सकते आगे, रोड पे पूरा पानी भरा हुआ है। अब क्या करिएगा? अब तो स्कूल जा नहीं पाएंगे। आपका अटेंडेंस अधिकारी को हम लोग वरीय अधिकारी को हम लोगों ने सूचना दी है, और वो कहा गया है कि आप लोग नहीं जा सकते हैं तो लौट जाइए। अब हाजिरी तो ऑनलाइन बनता है, अब हाजिरी ऑनलाइन बनता है तो हम लोग इसी चक्कर में आ गए थे, लेकिन आगे तो जा नहीं सकते, इसलिए लौटना हम लोग की मजबूरी है। अब यहाँ से हम लोग लौट जाएंगे। लोकेशन भी नहीं ले रहा है कि हम लोग हाजिरी बनाएंगे, इसलिए हाजिरी तो बन नहीं पाएगा, सीधे वापस हो जाएंगे। तो आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि बाढ़ ने इस तरह त्रासदी मचाई है कि यहाँ सैकड़ों घर पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। लोग अब घरों से पलायन कर रहे हैं, ऊंचे स्थान की शरण की तरफ जुटे हैं। बेलसन के आप स्थानीय विधायक हैं, और कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है,
लोगों के लिए आपकी ओर से क्या सहायता उपलब्ध कराई जा रही है? देखिए, ये तो भारी आपदा है। हमारे बेलसन में चारों तरफ से, बेलसन प्रखंड के चारों तरफ से हमारे सभी परिवार के घर में पानी घुस गया। यहाँ पर मतकौल में टूटा, सौली में टूट गया, उधर मेरा छपरा टूट गया। छपरा का पानी जो बेलसन का जो है डुमरा ननौरा पंचायत और कंसार पंचायत, उसमें भी पानी घुस गया है। पूरे घर तक का पानी चला गया। हम तो कल रात भर यहीं बेलसन में थे। हम करीबन 12 बजे रात को घर गए हैं, और घर भी नहीं गए, तरियानी गए हम लोग। और हम लोगों ने डीएम और सरकार से बात किए हैं। यहाँ पर जितना व्यवस्था हो सकता है, जितना स्कूल है उसमें हमने कहा कि किचन चलाए, खाने का व्यवस्था किया जाए। और जो पोलोथीन है, यहाँ पर 2000 पोलोथीन था बेलसन प्रखंड में। 2000 से तो काम चलेगा नहीं, कम से कम बेलसन में 8000 पोलोथीन चाहिए। इसके लिए भी हमने डीएम साहब से बात किए हैं, और डीएम साहब कह रहे हैं कि हम भेज रहे हैं, ताकि जो लोग हमारे घर में पानी घुस गया है वो लोग बांध में शरण रखे हुए हैं। ये भगवान का कृपा है कि आज बारिश नहीं हो रहा। ये तो ऐसे भी दह गया है पूरा घर, अनाज दह गया, कपड़ा दह गया, पूरा रहने बाल बच्चा सब बांध पर टिका हुआ है, ऊँचे जगह पर टिका हुआ है। रात बारिश नहीं होता मन नहीं हुआ है, कहीं हो भी जाता तो कितना आदमी बीमार पड़ जाते। जिला प्रशासन की ओर से क्या सहायता मिल रही है सर? अभी जिला प्रशासन बोल रहे हैं, सच तो यही है कि 2000 ही पोलोथीन आया है, आना चाहिए 8000 पोलोथीन। हम डीएम साहब से आज भी बात किए हैं, डीएम साहब ने कहा कि हम निर्देश दे रहे हैं कि जितना स्कूल है, ऊंचा जगह स्कूल है, उसमें कम्युनिटी किचन चालू किया जाए। हमारे साथ स्थानीय विधायक संजय गुप्ता जी थे, उन्होंने कहा है कि डीएम के द्वारा आश्वासन लोगों को दिया गया है, लेकिन अब तक सुविधा जो मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाई है। लोग पलायन करने को मजबूर है और हालत काफी बद से बदतर होती जा रही है। रंजीत कुमार, इंडिया न्यूज, सीतामढ़ी क्षेत्र में मौजूद है। और भूगोल गांव का ये हाल जो है आप देख सकते हैं, कोसी नदी का जो प्रकोप है खासकर उसका हाल देख सकते हैं। और ये जो खासकर सड़क है वो सड़क दरभंगा गरौल से लेकर के ये किरतपुर होते हुए आगे तक जाता था, जिसका हाल देख सकते हैं ये सड़क आधे से कट चुका है। लगभग 400 फीट की अगर बात करें तो वो 400 फीट में ये सड़क जो है वो टूट चुका है। लगभग रात में बताया जा रहा है कि 12:50 से 55 मिनट के बीच में ये सड़क टूट गया, और उसके बाद लाखों लीटर जो क्यूसेक के खासी जो पानी है वो किरतपुर प्रखंड हो, गौराबोराम प्रखंड हो, या फिर घनश्यामपुर प्रखंड हो, तो ये तीनों प्रखंड जो है इससे खासकर प्रभावित होंगे और काफ़ी परेशानी का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है। कैमरामैन को कहेंगे कि जरा दिखाने के लिए किस स्थिति में, किस वेग में पानी जो है यहाँ से आ रहे हैं खासकर, और जो तस्वीर है वो दिखाएंगे, चारों तरफ दिखाने के लिए कहेंगे कि देखिए किस स्तर पर ये जो नदी का जो प्रकोप है वो चल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मिट्टी कट रहा है, ये मिट्टी कटाव जो है लगातार जारी है। लोगों का भीड़ यहाँ पर देखने के लिए आ रहा है। जो लोग हैं वो यहाँ पर दूर दूर से देखने के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये बता दें, चिंता का विषय, कि जो गाँव के लोग हैं उनका क्या समस्या है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आखिरकार कल रात में क्या हुआ और अभी तक क्या हुआ? देखिए, कल जो है वाटर लेवल जो है कोसी का अचानक बढ़ जाने के कारण बहुत प्रयास किया गया। रात में डीएम राजीव रोशन जी थे, डीएसपी अपने मौजूद थे, बिरौल एसडीओ मौजूद थे। बहुत प्रयास किया गया कि इस बांध को बचाने के लिए, लेकिन ये बांध नहीं बच सका। प्रशासन पूरी तरीका से जो है चुस्त दुरुस्त था, आप देख भी रहे हैं, लेकिन बांध नहीं बच सका। और इससे जो है कोसी का रौद्र रूप आप देख ही रहे हैं, और जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है भयंकर तबाही हो गई है। गौराबोराम विधानसभा और खास करके गौराबोराम विधानसभा और कुशेश्वर स्थान विधानसभा में भारी प्रलय आ गया है। और ये अंदर जो है, ये नदी के अंदर जो है सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां पर जो है लोगों के छतों तक पानी चला गया है। लोग जो है वहां फंसे हुए हैं, लोग छतों पर जो है इशारा कर रहे हैं जान बचाने के लिए, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम आई है, 5 बोट उनका चल रहा है, जिससे रेस्क्यू पूरी तरीके से गति नहीं पकड़ रही है। अभी भी जो है बहुत धीमी तरीके से रेस्क्यू है। बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लोग जो है वो अभी फंसे हुए हैं। और मैं जिलाधिकारी से बात भी किया था सुबह में 10 बजे, उन्होंने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो प्रयास होना चाहिए इस आपदा के समय में वो प्रयास नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं जिलाधिकारी दरभंगा से मांग करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, किचन चलाए, ताकि आम जनता लोगों को राहत मिल सके इस दुख की घड़ी में।
यही है मेरा कहना है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कौन सा गांव ज़्यादा इफेक्टेड है वो बताइए। ये नरकटिया इफेक्टेड है, भूबोल इफेक्टेड है, जक्सो इफेक्टेड है, जमालपुर इफेक्टेड है, पुनाच इफेक्टेड है, बहुत सारे जो है गांव है, छोटा छोटा टोला है, वो जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, पूरी तरीके से इफेक्टेड है। ये जो छत पर जो लोग दिख रहे हैं तो इनको कैसे बचाया जाएगा? इनको कह रहे हैं डीएम साहब कि हम जो है एसडीआरएफ की टीम से भेजेंगे, लेकिन अब तक जो है 5 ही बोर्ड चल रहा है, लाइफ बोर्ड, और सैकड़ों गांव हैं। अच्छा, उससे तो संभव नहीं। खाने पीने की व्यवस्था है? खाने पीने की व्यवस्था सीओ घनश्यामपुर किरतपुर से हमारी अभी बात हुई है, उन्होंने 2 घंटा का समय दिया था, लेकिन 2 घंटा बीत गया है, अब तक जो है कितनी लोगों को खाने का व्यवस्था नहीं हुआ है, यहाँ पानी भी नहीं मिल रहा है। क्या नाम है पूरा? तमन्ना खान। तो ये तमन्ना खान हैं जो प्रशासन से मांग भी कर रहे हैं, प्रशासन का एक तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं कि रात में अच्छे से प्रशासन ने काम किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर टूट गया। जहाँ टूटा है उस जगह को क्या कहेंगे? एक्चुअल जो जगह ये जो है भूबोल, ये जगह कहलाता है, नरकटिया भूबोल के बीच में ये बांध टूटा है। ठीक है चाचा, क्या कहेंगे, क्या स्थिति है आप लोगों का? भाई बहुत खराब स्थिति है। पहले कितना पहले इससे पहले मतलब कभी हुआ था ऐसा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो देखने के लिए भी आ रहे हैं। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, दरभंगा से जगजीत। आपने बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट देखी है, अब सियासत देखिए कैसे बाढ़ नीतीश सरकार वर्सेज आरजेडी हो गई है और जनता बेहाल है। लगभग अर्धशतक के बाद इस तरह की स्थिति बनी है। 6,61,000 क्यूसेक वाटर छोड़ा गया, जो पहली बार बिहार में अनुभव है, लेकिन सरकार सजग है। सरकार की सजगता से वो नुकसान नहीं कर पाएगा जो अकस्मात बाढ़ आने से होता है। शासन प्रशासन पूरी नज़र रखे हुए है और भारत सरकार भी बाढ़ आपदा से निपटने के लिए 11,000 करोड़ से ज़्यादा जो दिया गया है, कल DPR भी नेपाल के डैम के लिए बनाने का पूरी प्लानिंग चल रही है। इस बार प्रकृति की विपदा पर हम सब की एकजुटता, बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिल करके हम इसका निदान भी करेंगे और अपने बिहारियों को सुरक्षित और संरक्षित भी रखेंगे। कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे प्रशासन, कई जिलाधिकारियों से हमारी बात भी हुई है, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी भी अभी बताए हैं कि हमारा तटबंध सुरक्षित है, नज़र है, सीतामढ़ी से जो पानी आ रही है हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। बेहद चिंताजनक है, अलग अलग हिस्सों में भौगोलिक रूप से अगर आप देखें तो नेपाल से पानी छूटना ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन हमारी तैयारियां हर वर्ष रिएक्टिव होती, प्रोएक्टिव कभी नहीं होती। मेरा पूरा इलाका अगर आप देखेंगे, सहरसा सुपौल से लेकर के मधेपुरा के कुछ हिस्से खतरा झेल रहा है। मैं समझता हूँ विस्थापन की भी जो एक प्रक्रिया में जो एक त्वरित चीज़ें होनी चाहिए थी उसका अभाव है, बाकी रसद ये वो। तो ऐसा नहीं है कि बाढ़ अचानक दस्तक दे रही है, हमें तैयारियों को भी देखना होगा ना कि उस हिसाब से। और इसलिए नेता प्रतिपक्ष ने अपने दल के कार्यकर्ताओं को भी कहा जहां जिसकी जितनी क्षमता हो उस हिसाब से वो लोगों की मदद करें। उधर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बाढ़ के बीच लोगों का हाल जानने पहुंचे और नाव पर ही खाना खाते हुए दिखाई दिए। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही है, ये निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, जो लोगों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे कि आखिर बाढ़ में लोगों की स्थिति कैसी है, उसकी हालत कैसी है। लेकिन जैसा कि आप देखते हैं कि लोगों को भूख लग गई और पप्पू यादव वहीं पर नाव में ही खाना खाने के लिए बैठ गए और खाना खाते हुए उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं बाढ़ से प्रभावित हैं जिन्हें खाना तक नहीं नसीब हुआ। तो ये तमाम सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि इस बीच पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है सुनिए। कोई मंत्री दारू पी रहे हैं, कोई मंत्री कहीं कुछ कर रहा है, हेलीकॉप्टर अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव है, वहाँ पर 25 हेलीकॉप्टर है एक पार्टी के पास। तो आप एक बात बताइए, 40 हेलीकॉप्टर लोकसभा में अरबों खरबों रुपया खर्च होते हैं, लेकिन बाढ़ पर कब खर्च होगा? हमारे मिथिला और कोसी सीमांचल के लोग कब बचेंगे? हमारी जिंदगी कब बचेगी?
आम लोग की जिंदगी क्या ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी? सारे फसल बर्बाद हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गए। तो ये जनता जानना चाहती है कि हम लोग कब तक भूखे रहे, कब तक जात पात की हिंदू मुसलमान की गोटी खिलाइएगा, कब तक ये जात की राजनीति होगी? ये बांध टूट गया तो कौन बांध बचेगा? जिस पर पूरा लाइफ लाइन है, पश्चिमी कोती तनबंद है भैया, यहाँ जो कंपनी काम किया, जो इंजीनियरिंग चीफ, चीफ इंजीनियर, एक्सिक्यूटिव इंजीनियर यहाँ रहे, वो अरबपति खरबपति हो गए। अभी तक एनडीआरएफ नहीं आया है, एनडीआरएफ लोग फंसे हुए हैं। असल में नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। करीब 2 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। यहाँ हालात और भी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि नेपाल की ओर से छोड़ा गया पानी बिहार के मैदानी इलाकों में बढ़ रहा है। भारी बारिश के बाद नेपाल में नदी नाले उफान पर हैं। इधर कोसी बांध का जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान हैं। बिहार में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, और बिहार की तस्वीरों के साथ आपने देखा होगा कि नेपाल में भी भयंकर बाढ़ आ रही है। नेपाल में जो बाढ़ आ रही है, उस बाढ़ में जो कुछ भी बीच में आ रहा है, बाढ़ का पानी उसे बहा ले जा रहा है, और इसलिए नेपाल से ये पानी होता हुआ बिहार में आ रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बाढ़ से बिहार तबाह हो रहा है। ग्राफिक के जरिए समझिए, बिहार के 76% इलाके पर बाढ़ का खतरा बना रहता है। बिहार के 1.70 करोड़ यानी कि 1,70,00,000 एकड़ जमीन पर बाढ़ का खतरा हर साल 19 जिलों में बना रहता है, और बाढ़ से 19 जिलों में तबाही होती है। हर साल करीब 5,000 गांव इसकी चपेट में आते हैं। बाढ़ की चपेट में हर साल करीब 320 लोगों की डूबकर मौत हो जाती है। हर साल औसतन 95,00,000 लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। 1979 से अब तक बिहार में बाढ़ में 9,500 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 2017 में बाढ़ से 1,07,00,000 लोग प्रभावित हुए। 2017 में उत्तर बिहार के 19 जिलों में 514 लोगों की मौत हो गई। 2013 में बिहार में बाढ़ से 20 जिलों के 59,00,000 लोग प्रभावित हुए। तो बाढ़ से बिहार की ये हालत है, लेकिन राजनीति चल रही है। हर चुनावी सभाओं में, भाषणों में जिक्र होता है बिहार के विकास का, लेकिन बिहार की हालत जस की तस है।